इधर महाराष्ट्र में मनोज जारंगे पाटिल कुणबी मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोंकण के लोगों का साफ कहना है कि उन्हें कुणबी नहीं बल्कि सिर्फ मराठा समुदाय के रूप में आरक्षण चाहिए। क्या है ये पूरा विवाद, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र मराठा आंदोलन की आग पूरे देश में फैलती जा रही है। मनोज जारंगे पाटिल महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोंकण के लोग कुछ और ही चाहते हैं। कोंकण के लोग मराठा समुदाय जारंगे पाटिल के आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग है कि हमें कुनबियों के तौर पर मराठा आरक्षण नहीं चाहिए। कोंकण के लोग कुनबियों के तौर पर आरक्षण इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि कोंकण में मराठों के बीच रोटी बेटी का लेन देन नहीं होता, क्योंकि कुनबी और मराठा दो अलग अलग जातियाँ हैं। मराठों की शक्ति का केंद्र गांव में है। कोंकण में लगभग 60% कुणबी हैं, जबकि 18 से 20% मराठा हैं। यहां के लोगों का मानना है कि मराठा होना कोंकण में प्रतिष्ठा और सम्मान की बात है। कुणबी मराठा आरक्षण पर राजनेताओं से भी अलग राय रखते हैं। नेताओं का कहना है कि हमें मराठा आरक्षण ही चाहिए, कुणबी मराठा आरक्षण नहीं चाहिए। मराठा आरक्षण चालू हुआ है, इसका इतिहास 30-40 साल का है। वो 40 साल में हमने एक ही मांग की है कि हमें मराठा आरक्षण चाहिए। तो बाकी मनोज जारंगे जो कर रहे हैं उनके बारे में हमारा कोई ये नहीं है, जो कर रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं है हमारी, लेकिन कुणबी करके जो सर्टिफिकेट उनको देना है, सब मराठों को दे दो बोल रहे हैं। हमारे कोंकण में वो चलते नहीं है। हमारे कोंकण में कुणबी अलग जात है, मराठा अलग जात है, इसलिए मराठों का आरक्षण है मराठा करके ही चाहिए, ये हमारी मांग है। फिलहाल महाराष्ट्र में कुणबी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारंगे पाटिल प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोंकण के लोगों को कुणबी आरक्षण पर ऐतराज है।